अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ मानिज़वी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंतहाई दुख वाली अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम हजरात जानते हैं कि कराची के अंदर NA 240 के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब बज़ाते खुद वहां पर मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, दीगर जो पार्टियां MQM और पाक जमीन जो पार्टी है, ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रही है और अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की गाड़ी पर हमला भी किया गया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब महफूज हैं। जब गाड़ी पर हमला किया गया तो मुफ्ती कासम फखरी साहब जो है उस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे और हमारे जो कारकुनान हैं उन पर भी जनाब फायरिंग की गई है और कुछ दोस्त जो हैं वो काफी नाजुक हालत के अंदर हैं, सिर पर भी जो है वो गोलियां लगी हैं। तो तमाम दोस्तों ने उनके लिए दुआ खैर भी करनी है कि अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत याबी दे। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब इस सारे मामले को जो है बजाते खुद जो है वो हैंडल कर रहे हैं और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब वहां पर मौजूद हैं और ये अपनी गुंडागर्दी पर जो है जनाब उतर आए, क्योंकि पूरा कराची जो है उसकी एक ही आवाज है कि वोट सिर्फ लब्बैक का होगा। तो दीगर जो पार्टी है उनसे ये चीज जो है बर्दाश्त नहीं हो रही, तो अब वो अपनी गुंडागर्दी पर जो है वो उतर आए हैं और हमारे जो वोट हैं वो भी छीनने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। और काफी वीडियो भी हमारे सामने आ चुकी हैं कि जिनके अंदर जनाब वो धांधली करते हुए रंगे हाथों जनाब हमने खुद पकड़ा है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, इंशाल्लाह अब हुजूर का दिन जो है वो तख्त पर आकर रहेगा। तो बाकी आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।